डियर फ्रेंड्स, वेलकम हायर मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम दोनों बुक करा रहे हैं टर्न बाय टर्न। इससे पिछले लेक्चर मैंने बनाया था आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर बुक नंबर 1 लीनियर एलजेब्रा एंड मैट्रिक्स का। आज आपका सेकंड बुक का टर्न है डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो जिसमें हम जहाँ पर चल रहे थे आज हम उसी के आगे का कराएंगे। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम इसका एक लेक्चर और बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसमें चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको फिनिश करा दिया है। मैंने आपको उसमें एक मेथड अच्छे से क्लियर करा दिया था, सेपरेशन मेथड। यानी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें दी है तो उसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, dy ओवर dx को सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम सारे y के टर्म्स dy की ओर और x के टर्म dx की ओर कर देंगे। हम ये वाला मेथड भैया सीख चुके हैं पीछे। कौन सा मेथड भैया? सेपरेशन मेथड। हम भैया सेपरेट करने वाला मेथड सीख चुके हैं। क्या है ये? जैसे कि dy ओवर dx लिखा हुआ है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, dy ओवर dx को सेपरेट करेंगे। उसके बाद y के सभी टर्म dy की ओर और x के सभी टर्म dx की ओर, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन। हम इस टाइप तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगली टाइप आती है भैया होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशंस जो भैया हम आज पढ़ने जा रहे हैं। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस शब्द से कुछ समझते हो? समघातीय, समघातीय। अब तक तो हमने देखा था कि अच्छे तरीका से भैया dy ओवर dx को हम सेपरेट कर पाते थे और बड़े आराम से हम y के सभी टर्म dy की ओर ले आते थे और सब बड़े आराम से हम x के सभी टर्म्स dx की ओर ले आते थे। लेकिन अब कुछ लफड़ा पड़ेगा। अब क्या होगा भैया, हम अच्छी तरीका से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम जो हम पीछे करते थे डायरेक्टली सेपरेट कर लेते थे, नहीं आराम से y के सभी टर्म dy की ओर, x के सारे टर्म्स dx की ओर बड़े आराम से सेपरेट करते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, अब लफड़ा पड़ेगा। अभी देखना पूरा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन की ओर। ओनली आपको बता दे रहा हूँ, अभी हम चला रहे हैं भैया समघाती इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन समघाती। इसमें होगा क्या, जो आपके जो मसाले होंगे x और y, उनकी हम घात देखेंगे, उनकी घात समान होनी चाहिए न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर क्वेश्चन ओनली न्यूमिनेटर का है उसमें x की पावर देखेंगे, y की पावर देखेंगे, उनकी घात समान होनी चाहिए, तब ये मेथड अप्लाई होगा। ये मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो देखिएगा आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है, पूरा फोकस डालेंगे भी, क्वेश्चन से लड़ाई करेंगे हम, बड़ा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए आराम से, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आराम से नोट किया, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से नोट कर लिया। अब देखिए इसको, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम होता है डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करने का। उसके बाद जो क्रियाकलाप होगा वो देखा जाएगा। पहली प्रायोरिटी हमारी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमेशा डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो इसको सॉल्यूशन आराम से देखेंगे। देखिएगा तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर में यह गया माइनस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इस डी एक्स को मैं बट्टे में मैंने लगा दिया, डी वाई ओवर डी एक्स सेपरेट मेरा हो गया और इस एक्स स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया, बराबर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद अब देखो पेपर में आएगा, हमें नहीं मालूम है कितने कौन सा मेथड अप्लाई होगा। अभी तो आप पता है क्यों, कैसे पता आपको भी, क्योंकि एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2B, तो आपने यहाँ से अंदाजा काट लोगे कि 2B में सारे क्वेश्चन होमोजीनियस मेथड से होंगे, तो आप इसमें होमोजीनियस लगा डालोगे। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता है, पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, आपको खुद पहचानना पड़ेगा ये कौन से मेथड का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है, यहाँ पे पहचानने में बड़ा दिक्कत आती है भैया कैसे क्या होगा। तो हम देखो अभी क्वेश्चन से लड़ाई करेंगे, क्वेश्चन हमें खुद बताएगा क्या करना है। देखो अभी बताएगा, देखो तो हम क्या करते थे पीछे, हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करने के बाद सभी y के टर्म्स हम dy की ओर करते थे और सभी x के टर्म हम dx की ओर करते थे। तो क्या आप यहाँ फीलिंग करके देख सकते हो, क्या आप y के सभी टर्म विदाउट x के dy की ओर सेपरेट कर सकते हो क्या, मुझे बताओ। नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये x या लफड़ा डाल रहा है। अगर इसको हम पूरा उठा के ले भी आएंगे तो x संग में आ रहा तो एक माना नहीं जाएगा। यानी कि हम पूर्ण रूप से बढ़िया तरीका से y के ओनली y के सभी टर्म को हम dy की ओर सेपरेट नहीं कर सकते और ना ही हम dx के सभी टर्म को, यानी ना ही और ना ही हम x के सभी टर्म को dx की ओर सेपरेट कर सकते। अगर हम dx को उधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो देखो इसमें x मिक्स होकर आ रहा है, मिक्सअप आ रहा है इसमें x का, तो नहीं ले पाएंगे इसको ना, हो ऐसे हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, फीलिंग आ रही है? देखो करके देखते हैं, चलो यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम कर लूँ क्योंकि पेपर में ऐसे ही करना पड़ेगा।
इसको आपको देख के फीलिंग आ जाएगी, जब आप प्रैक्टिस जोरदार हो जाएगी आपकी तो आपको देख के फीलिंग आ जाएगी कि हम क्या चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं और किस चीज़ को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या आप डी वाई की और वाई के सभी टर्म को सेपरेट करके लिख सकते हो, उसमें एक्स का मिक्सअप नहीं आना चाहिए, नहीं लिख सकते हैं। और क्या आप डी एक्स की और सभी एक्स के टर्म को लिख सकते हो, उसमें वाई का टर्म नहीं आना चाहिए, तो नहीं लिख सकते हैं। अब आज क्या डी एक्स इधर ले जाओ और एक्स उसका ऐसे इधर ले आओ, तो ये कहाँ पूरा वाई में कहाँ आ रहा भैया, इसमें एक्स भंगा डालना। तो अब यहाँ रुक जाएंगे, यानी कि हमारा सेपरेशन मेथड जो होता है वो एक बार में काम करता है, उसमें साफ साफ बड़े आराम से हो जाते हैं, इसमें नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे आप देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम देखेंगे इनमें घात कितनी कितनी है, होमोजीनियस इक्वेशन मेथड देखने के लिए। कैसे, एक्स की पावर वन वाई की पावर वन दो हो गई, वाई की पावर टू दो हो गई, नीचे कितनी है दो, यानी कि ऊपर हर एक टर्म में पावर कितनी है दो, नीचे हर एक टर्म में कितनी है दो। तो इस टाइप की जो इक्वेशन बनती है उसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। समझ में आया, यानी कि हम हमेशा घात देखेंगे, जब इस टाइप में जब सेपरेट नहीं होगा तब भंगा पड़ जाएगा, यहाँ पर सेपरेट हो नहीं रहा है, सोचना पड़ेगा। अब तो हमने सोचा, हमने यहाँ पर देखा इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, यानी कि अंश और हर में जो घात है वो कितनी भैया दो है, तो होमोजीनियस है। अगर नीचे एक घात हो जाती तो होमोजीनियस नहीं था। इसके फंडे आगे बढ़ेंगे फिर क्या करते, अभी तो यहाँ पर दो ही है, मैं आपको कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे फंडे हैं इसके, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अंश और हर में देखो सेम टू समान घात है, अंश और हर में समान घात है दो, एक एक दो दो दो। तो अब हम इसमें होमोजीनियस इक्वेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये कैसे अप्लाई करना है ये समझो, तो हमेशा याद रखना भैया ये मेथड दो तरह से अप्लाई होता है। देखो पहली कंडीशन, अगर क्वेश्चन की फॉर्मेट डी वाई ओवर डी एक्स में है तो हमेशा याद रखना, हमेशा लेट करेंगे यहाँ पर या पुट करेंगे वाई बराबर वी एक्स, क्या पुट करेंगे वाई बराबर वी एक्स। अगर क्वेश्चन की फॉर्मेट ऐसी है, कैसी, डी वाई ओवर डी एक्स जैसी। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर क्वेश्चन की शक्ल भैया डी एक्स ओवर डी वाई जैसी आ रही है, बराबर होमोजीनियस बनना है, तब पुट करेंगे हम एक्स बराबर वी वाई। ये दो इंपॉर्टेंट पुट हैं, इनको याद रखना भैया। अगर होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है, उस सेपरेशन से नहीं हो पा रही है, अगर वो होमोजीनियस है और फॉर्मेट में डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है तो हमेशा पुट करेंगे वाई बराबर वी एक्स, अगर डी एक्स ओवर डी वाई आता तो पुट करते हम एक्स बराबर वी वाई। इज दैट क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसी लाइन का जो लाइन हमने लेट की इसी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट डी एक्स और सेकंड एक्स का वन प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और हम डी वाई ओवर डी एक्स से इस मसाले को रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ गया, हमेशा याद रखना अगर क्वेश्चन की शक्ल डी वाई ओवर डी एक्स की है और उसकी समघातीय बनना है वो, तो वाई बराबर वी एक्स पुट करेंगे, इसी लाइन का डिफरेंशियल करेंगे। इसमें करेंगे हम कहकर साहब डिफरेंशियल करेंगे, देखो डी एक्स ओवर डी वाई, इसमें हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ से पता लग जाएगा नीचे एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ये नीचे वाई तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे इस मसाले से, यानी कि इसकी जगह ये मसाला रखा जाएगा और वाई बराबर वी एक्स रखा जाएगा। देखो ऑटोमेटिक तुम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक शक्ल बन जाएगी इसकी, ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगा। देखो कैसे होता है, हवाल देखो बड़ी तरीका से। तो मैंने वही काम किया, पुट वाई बराबर वी एक्स, जब कुन्ने में लिख देंगे भैया होमोजीनियस इक्वेशन, कैसी है होमोजीनियस, देखिए आराम से। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया कैसे, इससे वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, सही है बराबर, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वी हो जाएगा क्योंकि वाई बराबर क्या पुट किया मैंने वी एक्स, प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दिख रहा होगा आपको एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट्टा, तो वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर माइनस का वी प्लस का वी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा वन, सही है कहानी। अब मैंने क्या किया, इस वी इधर प्लस के पलंग मैंने माइनस में भेज दी वी, तो ये हो जाएगा ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस दोनों में से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया तो माइनस आ गया बाहर, वी प्लस वी स्क्वायर प्लस का वी, सही है कहानी। एक्स डी वी ओवर डी एक्स, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ओनली सॉल्यूशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वी और वी टू वी हो गया, माइनस से हम बोले नहीं, टू वी प्लस का वी, मैंने ओनली वाई बराबर वी एक्स पुट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा मेथड कहता है कि जिस लाइन को हम पुट करते हैं भैया उसी का डिफरेंशियल करके डी वाई ओवर डी एक्स मसाले की जगह हम इस मसाले को यहाँ रख देते हैं, बस मैंने वही काम किया। उसके बाद मैंने ओनली सिंपली कैलकुलेशन किया है, यहाँ पर मैंने डी वी ओवर डी एक्स को सेपरेट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, डी वी ओवर डी एक्स। अब देखो अब आराम से सेपरेट हो सकता है, देखो
अब मैं डीवी की तरफ केवल डीवी के टर्म्स ला सकता हूँ, इसको बट्टे में ले सकता हूँ या नीचे बनवा लो, ठीक है, अब सेपरेट हो सकता है। और जे एक्स की तरफ डी एक्स आएगा, अब देखो वी वाले में कहीं पर वी को छोड़ के कुछ और एक्स्ट्रा आ रहा है, इधर टू तो कॉन्स्टेंट है, कोई और वेरिएबल भंगा डाल रहा है नहीं डाल रहा है, तो अब इसको हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखो एक्स को लेके जाऊंगा मैं, देखो सिंगल एक्स आ रहा है, यहाँ कहीं एक्स है नहीं है, तो देखो यहाँ पे लफड़ा पड़ रहा था, देखो एक्स मिक्सअप आ रहा था, यहाँ देखो सिंगल वी में आ गया पूरा, इज दैट क्लियर। इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट से, देखिए क्या आएगा। अब मैं इसको नीचे लेके आया तो यहाँ पे आया ये वन अपॉन, मैंने वी ले लिया बाहर, अंदर बचेगा टू प्लस का वी, सही है, बराबर में आएगा यहाँ बचेगा डी वी, बराबर में आएगा माइनस चलता रहेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स। देख लो बड़े प्यार से मैंने डी वी के सभी मसाले, वी के सभी मसाले मैंने डी वी की तरफ सेपरेट कर दिए और एक्स के सभी मसाले मैंने डी एक्स की तरफ सेपरेट कर दिए। हम क्या करते थे पीछे करते आए उसमें डी वाई की तरफ वाई वाले मसाले, और इसके बाद इसका क्या करते थे हम इंटीग्रेशन, देख रहा है यहाँ पे, हम पहले क्या करते थे डी वाई की तरफ वाई के मसाले और डी एक्स की तरफ सभी एक्स के मसाले, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन। तो ऐसे यहाँ पे ये सेम टू सेम यही कहानी तो है ही है, बस यहाँ डी वाई की है क्या, यहाँ पे डी वी है, क्या है यहाँ पे डी वी। तो देखो डी वी की ओर सारे वी के मसाले और एक डी एक्स की ओर सारे एक्स के मसाले, अब हम इसका प्यार से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लेता हूँ, वन अपॉन वी माइनस का वन अपॉन टू प्लस वी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर दो का गुणा दो का भाग करना पड़ेगा, सॉरी दोनों तरफ इससे पहले मुझे दो का गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया लो माइनस का टू अपॉन एक्स डी एक्स, चेक कर लो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर दो आएगा जो भंगा डालेगा, लेकिन एक दो यहाँ पर मौजूद है, दो से दो कट जाएगा, बात जेई लौट करके आ जाएगी। इसको सॉल्व करके देखिएगा ना, जेई आपको लाइन ऊपर वाली मिल जाएगी, सही है, या दो लगा लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं बड़े प्यार से, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन बाई पार्शियल करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, वन अपॉन वी यानी कि वन अपॉन एक्स का रोल निभा रहा क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग वी, लॉग वी माइनस का, इसको देखेंगे लॉग ऑफ हर बनना है, लॉग ऑफ हर कैसे, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, टू का जीरो वी का वन जीरा, लॉग टू प्लस वी, सही है, टू को कांस्टेंट बाहर निकाल लो, वन अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो बराबर में आएगा माइनस का टू लॉग एक्स, और जब लॉग एक्स आता है तो कांस्टेंट में प्लस में लॉग सी लेते हैं, लॉग सी। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, कोई डाउट, थोड़ा सा रेज कर रहा हूं ऊपर का मैं, ठीक है, लॉग एन लॉग एम अपॉन एन खोल दो, लॉग वी अपॉन टू प्लस वी इज इक्वल्स टू, बराबर में देखो क्या है log c माइनस का टू log x, तो log x इसमें log m माइनस log n लगाने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ, देखो log c प्लस का log x स्क्वायर, सही है, ताकि अब अच्छे तरीका से log m प्लस log n बन जाए, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कर लूँ, ठीक है, या दो भंगा डाला था, देखो है दो भंगा डाला था यहाँ पर, log c माइनस log n नहीं बनने दे रहा था, दो भंगा डाला था, मैं दो को ऊपर ले गया, मैं स्क्वायर मैन चला दिया ना। अब आराम से देखो log v अपॉन टू प्लस वी बराबर लॉग सी माइनस लॉग लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम अपॉन यानी कि सी अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है, थोड़ा सा यहाँ पर रेस कर रहा हूँ मैं, तो लॉग से लॉग कट जाएगा, एंटी लॉग लेकर के यहाँ पे आएगा वी अपॉन टू प्लस वी बराबर सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमने लेट क्या किया था वाई बराबर वी एक्स लेट किया था, तो हमें यहाँ से वी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकलेगी, वी बराबर वाई ओवर एक्स, बस इसको यहाँ पुट करना है, वी को समाप्त करना है, आंसर आपका आ गया, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मैं, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने पुट कर दिया v बराबर y ओवर x, तो यहाँ मुझे मिलेगा y अपॉन x कोष्ठक में आएगा 2 प्लस y अपॉन x बराबर c अपॉन x स्क्वायर, ठीक। तो देखिएगा यहाँ मुझे मिलेगा y अंदर x का मैंने गुणा कर दिया तो 2x प्लस का y हो गया, बट्टे में यहाँ मुझे मिलेगा x 2x प्लस का y और x ऊपर जाके यहाँ x x कट्टा हो गया, ठीक है, बराबर में c अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा और देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर मैंने भेज दिया यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर वाई, और जी मैंने उधर भेज दिया यहाँ पे आ गया सी टू एक्स प्लस का वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत इजी मेथड था, हमने कुछ नहीं किया, मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ, अभी तो मैं बहुत स्लो काम करा रहा हूँ, अभी बहुत फास्ट कराऊंगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन मैंने पूरी दम दी है, बखूबी प्रयास किया है आपको समझ में आए बेहतरीन तरीका से। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हम डी वाई और डी एक्स को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या हम डी वाई की और वाई की टर्म्स ला सकते हैं बिना एक्स के मिक्सअप के, केवल वाई के टर्म आने चाहिए, उसमें एक्स का टर्म नहीं आ जाए, और क्या हम डी एक्स की ओवर एक्स के टर्म ला सकते हैं बिना वाई के टर्म के। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं फिर हम उसमें यह डालेंगे कि क्या भैया इक्वेशन समझाती है, क्या इसमें हर किसी की पावर समान आ रही है, अगर समान आती है तब हम ये मसाले अप्लाई करेंगे, अगर उसकी शकल डी वाई बाई डी एक्स जैसी है
पुट करेंगे वाई बराबर वी एक्स, इसी लाइन का करेंगे डिफरेंशियल और डी वाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस करेंगे इस मसाले की जगह। उसके बाद अगर सकल बन रही है डी एक्स ओवर डी वाई ऐसी, तो उसमें हम लेट करेंगे एक्स बराबर वी वाई, जिस लाइन को लेट किया उसी का करेंगे डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, उसको रिप्लेस कर देंगे। एंड में जब वाई की जगह वी आ जाएगा और डी एक्स तो रहेगा ही, तब हम डी वी ओवर डी एक्स के रूप में लिख देंगे। उसके बाद हम डी वी ओवर डी एक्स की जगह डी वाई ओवर डी एक्स की जगह वो लिख लेंगे, फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे। डी वी की और सभी वी के टर्म और डी एक्स की और सारे एक्स के टर्म जब मिलने के बाद सीधा इंटीग्रेशन कर दो, जो आंसर आएगा उसमें वी खत्म कर दो, वापस से हम क्या कर देंगे वी बराबर एक्स अपॉन वाई इसमें पुट कर देंगे, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहाँ डाउट आया मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है एक्स कॉस वाई ओवर एक्स इंटू में वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई दिख तो रहा होगा आप लोगों को, इज इक्वल्स टू वाई साइन वाई ओवर एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स। बड़ा ही जबरदस्त और आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है आराम से देखेगा। मैंने क्वेश्चन को देखा अभी, किसी झंझट में नहीं पढ़ना है होमोजीनियस है या नहीं है। फर्स्ट काम कोई भी क्वेश्चन हो डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करने में पूरी दम लगा दो, उसके बाद देखेंगे ये भैया सेपरेट से होगा या होमोजीनियस से होगा। पेपर में आएगा तो अपने दिमाग को इस तरह से कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन हमने देखा अच्छी बात है, सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, तो पहले उसमें दिमाग लगाओ सेपरेट कैसे होगा। सेपरेट होने के बाद हम देखेंगे ये सेपरेट से हो रहा है या होमोजीनियस से हो रहा है, अभी नहीं चक्कर में पड़ेंगे होमोजीनियस वगैरह के। नाउ देखिएगा फर्स्ट स्टेप हमारा उठ चुका है, तो मैंने क्वेश्चन में जरा गौर से देखा, जो यहाँ पर देखो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से मिल जाएगा, अगर मैं डी एक्स का भाग नीचे लगा दूँ तो, और यहाँ पे अगर मैं डी एक्स का भाग नीचे लगा दूँ तो, और डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा है कि नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स का एक टर्म यहाँ मिलेगा मुझे, फीलिंग करो अभी, एक टर्म यहाँ मिलेगा, फिर मैं दोनों टर्म को बगल बगल में ला करके उसमें से पूरे में से कॉमन निकाल लूँगा। इस तरह से मैं डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर सकता हूँ, आपकी मर्जी आप चाहे कैसे भी करो, सारा दिमाग यहाँ लगाना है कि डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कैसे करेंगे। तो देखिए मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, एक्स कॉस वाई ओवर एक्स वाई, यहाँ पर मैंने डी एक्स का भाग लगा दिया डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है अभी बताऊँगा। देखो वाई साइन वाई ओवर एक्स यहाँ पे आ गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे मैंने डी एक्स का भाग लगा दिया, डी एक्स का भाग जब लगेगा तो पूरे में नीचे डी एक्स आएगा, यहाँ पे भी डी एक्स आएगा, ठीक है तो डी एक्स से डी एक्स कट गया, सही है। उसके बाद अब मैंने क्या किया, इस पूरे मसाले को उसके बट्टे में भेजा, क्यों भेजा अभी देखोगे आप, क्यों भेजा मैंने, यहाँ पे मुझे मिलेगा वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स कॉस वाई ओवर एक्स साइन वाई ओवर एक्स, इसके बट्टे में जब घुसेगा साइन वाई ओवर एक्स बट्टे कॉस वाई ओवर एक्स टेन वाई ओवर एक्स देगा, और ये वाई ओवर एक्स सेपरेट होकर अलग आ जाएगा, वाई ओवर एक्स टेन वाई ओवर एक्स, ठीक। यहाँ मिला मुझे एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का वाई, इज दैट क्लियर। अब मुझे डी वाई डी एक्स देखो दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो मुझे लेकिन लेके एक ही तरफ आने हैं, तो बट्टे में लाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर गुणा कर देता हूँ, उसके बाद इस टर्म को मैं इधर ले आऊँगा, जिससे मैं डी वाई डी एक्स को कॉमन निकाल के एक अलग जगह सेपरेट कर लूँगा, ठीक है। एक जगह आना चाहिए डी वाई डी एक्स, दो दो जगह नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, जहाँ डाउट आए वहीं रोक देना, वाई अपॉन एक्स का मैंने अंदर गुणा किया था तो एक्स एक्स कट गया, यहाँ ओनली वाई बचा, वाई टेन वाई ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, सही है। माइनस का ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टेन वाई ओवर एक्स। अब जिस मसाले में डी वाई डी एक्स आ रहा है उसी मसाले को मैं यहाँ ले आता हूँ, जिससे मुझे कॉमन मिल जाए, तो बराबर वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का वाई टेन वाई ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टेन वाई ओवर एक्स, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं बराबर से, वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ गया बाहर, अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई टेन वाई ओवर एक्स, सही है। बराबर में आएगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टेन वाई ओवर एक्स, कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जरा देखना प्यार से, इस वाई को मैं पलंग माइनस में भेज देता हूँ, ठीक है।
क्योंकि मुझे डी वाई डी एक्स को अकेला करना है, फिर मैं इसका भाग लगा दूंगा, बात खत्म हो गया सेपरेट। डी वाई ओवर डी एक्स या बगल में एक कोष्टक चलेगा एक्स माइनस वाई टेन वाई ओवर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टेन वाई ओवर एक्स माइनस का वाई। वाई ले लो कॉमन, माइनस वाई कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ, ठीक, यहाँ पे मुझे मिला डी वाई ओवर डी एक्स बराबर। अब जरा गौर से देखना, इस टर्म को मैं नीचे भेज रहा हूँ, डी वाई डी एक्स सेपरेट हो गया, ठीक है। माइनस वाई आ गया बाहर, अंदर मुझे मिला वाई ओवर एक्स टेन वाई ओवर एक्स प्लस का वन, ठीक। और बट्टे में आया, बट्टे में क्या आया, इसकी शकल इससे डिफरेंट है। यहाँ पे वाई अपॉन एक्स यहाँ है, तो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स कैसे बनेगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ माइनस का, यहाँ भी प्लस का कर दो, माइनस एक्स कॉमन। यहाँ मुझे मिला वाई अपॉन एक्स टेन वाई अपॉन एक्स और यहाँ मुझे मिला माइनस का वन। यहाँ तक मुझे बता कोई दिक्कत आई? मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैंने डी वाई डी एक्स को सिंपली सेपरेट किया, ठीक है। तो अब मेन काम यहाँ से देखेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू हुआ नहीं उससे पहले डी वाई डी एक्स सेपरेट करने से पहले ही देखने लग जाते हैं कौन सा मेथड लगेगा, होमोजीनियस लगेगा, कौन सा लगेगा। नहीं, पहले डी वाई डी एक्स को सेपरेट करो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, उसके बाद देखेंगे भैया इसमें कौन सा मेथड लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। तो मैंने देखा, मैं डी वाई की तरफ सिंपली वाई के टर्म को नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि भैया एक्स बट्टे में आ रहा है, एंगल में घुसा पड़ा है, तो भैया इसको अलग कैसे कर पाओगे, इसके लिए फंडा लगेगा। आप देखो होमोजीनियस है नहीं, देखो होमोजीनियस है ये, घात कितनी ऊपर नीचे, बन कितनी है, बन 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 बन, इज दैट क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फंडा लगा रहा हूँ, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो क्या भैया होमोजीनियस है, इक्वेशन कैसी है ये, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस है लेकिन फॉर्मेट कैसा है, डी वाई ओवर डी एक्स जैसा। तो क्या पुट करेंगे, पुट वाई बराबर वी एक्स, जिस लाइन को पुट करते हैं उसी लाइन का डिफरेंशियल। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर जो हम मसाला रखेंगे वो आएगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ, इस मसाले को अभी रखते हैं, आंसर आपका आने वाला है। डी वाई ओवर डी एक्स ये वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, तो वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर वाई ओवर एक्स है, या मैंने वाई बराबर पुट किया वी एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा ओनली, माइनस का कट गया, माइनस तो है नहीं यहाँ पे, प्लस का वी आया, ठीक। यहाँ मैंने पुट किया वी बराबर वाई बराबर वी एक्स, तो देखो एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ वी मिलेगा मुझे वी टेन वी प्लस का वन, नीचे आएगा वी टेन वी माइनस का वन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब मैंने क्या किया, वी को पलंग माइनस में भेजा मैंने और अंदर वी का गुणा कर दिया, सिंपली कैलकुलेशन है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। डी वी ओवर डी एक्स बराबर वी स्क्वायर टेन वी प्लस का वी माइनस का, जब ये वी माइनस यहाँ इधर आएगा तो अंदर इसका गुणा होगा, तो हो जाएगा ये वी स्क्वायर टेन वी और माइनस माइनस हो जाएगा भैया ये प्लस का वी, सही है, प्लस का वी, नीचे आ जाएगा वी टेन वी माइनस का वन, ठीक है। यहाँ तक सही है, आगे चलते हैं। यहाँ मिला मुझे x डी वी ओवर डी एक्स बराबर, ये देखो सेम टू सेम मसाले कट गए, वी वी टू वी हो गया, नीचे आ गया वी टेन वी माइनस का वन। तो अब आप देख सकते हैं बड़े आराम से, देखो डी वी की ओर मैं v के सभी मसाले को ले जा सकता हूँ और डी एक्स की ओर x के मसाले। तो अब हम डी वी और डी एक्स को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, जैसे हम डी वाई और डी एक्स को करते थे, कर लिया मान लो, ऊपर आएगा वी टेन वी माइनस का वन, नीचे आएगा टू वी डी वी बराबर वन अपॉन एक्स डी एक्स। देखो आराम से सेपरेट हो गए डी वी की ओर डी वी के टर्म्स और डी एक्स की ओर एक्स के टर्म। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, कहानी खत्म, कर दो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसका अलावा भाग कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, देखो वी से भी कटेगा वन अपॉन टू यहाँ मुझे मिलेगा, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ इस टू को मैं उधर ही रहने देता हूँ, या नीचे नहीं लेके आ रहा, नहीं रहने दो उसको, सही है, लफड़ा डालता टू ये, यानी कि लफड़ा मालूम क्यों पड़ता है, क्योंकि लोग लोग में आता तो वन पॉइंट टू आता, वन पॉइंट टू तो रूट चढ़ाना पड़ता तो लफड़ा पड़ जाता। यहाँ पे ही समेट लेंगे इसको, देखो हाल, तो वी के अंदर मैंने वी का अलग अलग भाग कर दिया मैंने, यहाँ पे मुझे मिला टेन वी, यहाँ मिला मुझे माइनस का वन अपॉन वी डी वी बराबर टू, बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन आ गया वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है। हम पीछे पीछे करते थे वैसे ही करेंगे, क्या करते थे पीछे, डी वाई की तरफ वाई के टर्म, डी एक्स की तरफ एक्स के टर्म, उसके बाद होने के बाद दोनों का कर देते थे इंटीग्रेशन, बात खत्म। तो कर दो इंटीग्रेशन, टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स का रोल अदा कर रहा है वी, तो लॉग सेक वी, माइनस का वन अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का लॉग वी, सही है, कहानी सही चल रही है, बराबर में टू लॉग एक्स, हमेशा लॉग एक्स, लॉग एक्स के साथ कॉन्स्टेंट आता है लॉग सी, लॉग एन माइनस लॉग एन देगा लॉग एम अपॉन एन
sec v अपॉन v देगा बराबर में, देखो दो log m प्लस log n लगने से पहले लफड़ा पड़ रहा है यहाँ, तो इस दो को मैं ऊपर घात में चढ़ा देता हूँ, log m प्लस log n, log m प्लस n तो log cx स्क्वायर। सही है, कहानी सही चल रही है, log से log कट जाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा sec v बराबर सी एक्स स्क्वायर इन टू वी। सही है, बहुत सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे पेज पिछले वाले क्वेश्चन मैंने किया था, आंसर ये करेक्ट है, लेकिन हमें इसमें से v तो खत्म करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन हमें भैया x और y में गिवन था, तो v बराबर हमने लेट क्या किया था, x बराबर सॉरी y बराबर वी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, v बराबर y ओवर x पुट कर दो इसमें बस, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा sec y ओवर x, सही है, बराबर में एक्स स्क्वायर इन टू वाई ओवर एक्स इन टू सी, तो x से मसाला x कट गया, यहाँ मुझे मिला sec y ओवर x बराबर सी एक्स स्क्वायर वाई इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि भैया देखो एक्स स्क्वायर से एक्स एक्स कट गया है, तो भैया ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो समझ में आया क्वेश्चन, तुमने कुछ नहीं किया, वेरी इजी मैंने कंसेप्ट लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन हमें गिविन था सबसे पहला काम उसमें ये रहेगा, बिना किसी मेथड को देखने से पहले उसको डी वाई डी एक्स को सेपरेट करो, डी वाई डी एक्स सेपरेट होने के बाद तब हम देखेंगे ये होमोजीनियस बनना है कि सेपरेशन मेथड से हो रहा है, तब दिमाग लगाएंगे। होमोजीनियस से अगर होता है, होमोजीनियस से हो रहा था ये, सेपरेशन नहीं हो पा रहा था, हमने लाइन पुट की बराबर वी एक्स, जिसे हमको पुट करते हैं उसी का डिफरेंशिएशन, फिर डी वाई ओवर डी एक्स ये हम उसी मसाले को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बन जाता है डी वी और डी एक्स में, फिर हम डी वी और डी एक्स को अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देते हैं, बाद में वी का वैल्यू रख देते हैं, आंसर आपका आ जाता है। समझ में आया, आइए कुछ और क्वेश्चन शुरू देखते हैं, और ब्लड में घुल जाएगा क्वेश्चन, मजा आ रहा हो तो लाइक कर देना है, ठीक है, फ्रेंड्स का शेयर करना मत भूलना। देखिए अगले आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गर्ल्स के लिए अलग है बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स, जबरदस्त। तो देखिए क्वेश्चन लिख लिया मैंने, पेपर में भी ऐसे ही देखेंगे, माइंड को समझाएंगे कैसे, अभी नहीं देखना कि होमोजीनियस से कैसे सेपरेट है, कुछ नहीं देखेंगे अभी, फर्स्ट प्रायोरिटी डी वाई डी एक्स को सेपरेट करने की है, तो यहाँ भी डी एक्स यहाँ भी डी एक्स, दो दो डी एक्स, तो हमें तो चाहिए एक डी एक्स, तो देखो मैं थोड़ा दिमाग लगाया क्या किया, मैं देखेंगे जरा डी वाई बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस का वाई डी एक्स, मैंने एक तरफ ले लिए, इसमें से डी एक्स अब कॉमन आ जाएगा, इसके नीचे को बट्टे भेज देंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो, यहाँ आ जाएगा एक्स डी वाई बराबर डी एक्स आ गया कॉमन, अंदर आ गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई डी एक्स आ गया बट्टे में, एक्स का लग गया भाग, तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट हो गए, रूट में आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई, नीचे आ गया एक्स। अब यहाँ देखेंगे क्या भैया ये सेपरेट से हो सकता है, क्या हम डी वाई की तरफ y के सभी टर्म को कर सकते, तो नहीं कर सकते हैं भैया, x संग में आ रहा नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे क्या ये होमोजीनियस है, तो देखो x स्क्वायर की डिग्री कितनी है, वन वन है भैया, रूट चढ़ा है इसमें, तो यहाँ पे x की वैल्यू x की डिग्री वन, y की डिग्री वन, इस y की डिग्री वन, इस y की डिग्री वन, पावर कितनी सबकी वन, तो ये समघातीय है, हर अंश और हर में पावर समान है, कितनी है वन। अब इसमें होमोजीनियस अप्लाई कर सकते हैं, आप कौन सा करेंगे, फॉर्मेट कैसा है डी वाई ओवर डी एक्स जैसा, तो पुट क्या करेंगे y बराबर वी एक्स, अगर dx ओवर dy ऐसा फॉर्मेट होता है तो क्या पुट करते हैं x बराबर vy, जिस लाइन को पुट करते हैं उसी का क्या करते हैं डिफरेंशियल, dy ओवर dx क्या के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, नीचे क्या है x, v प्लस x dv ओवर dx, जो dy ओवर dx दिया ये मसाला आ जाएगा, रख दो v प्लस x dv ओवर dx बराबर, बहुत सिंपल। यहाँ हमने पुट किया देखो y बराबर vx, तो यहाँ मुझे मिला क्या, मिला मुझे वी एक्स, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स, नीचे आ गया एक्स। अब जरा कुछ काम मैं डायरेक्ट करूँगा, देखो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो एक्स बाहर आएगा, तो अगर रूट लगा है एक्स बाहर आ गया, एक एक्स ये एक एक्स नीचे, ऊपर नीचे से एक्स कॉमन लेके कटा, तो वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर यहाँ आएगा वन प्लस वी स्क्वायर प्लस का वी, ठीक है एक्स तो चला गया। अब इस v को इधर भेजेंगे तो देखो v से v खत्म हो जाएगा, ठीक है प्लस माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से मुझे dv ओवर dx सेपरेट मिल गया भैया, क्या मिला मुझे 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x, तो इसको नीचे ले आओ या बना लें दो x, तो मैंने क्या किया देखो v की dv की तरफ v के मसाला और dx की तरफ x का मसाला, तो लियो मैंने सेपरेट कर दिया यहीं के यहीं, तो 1 अपॉन रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर ये dv की ओर आ गया और 1 अपॉन x ये dx की ओर चला गया। इतना काम करने के बाद क्या करते हैं भैया, इसका इंटीग्रेशन कर दो, बात खत्म, ये तो हम करते हैं,
मसाले सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन कर दो तो देखो फॉर्मूला बनना है ये वन अपॉन रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स का रोल अदा कर रहा है वी, तो लॉग वी प्लस रूट में वन प्लस वी स्क्वायर। फिनिश, आ गया आंसर, लॉग वी प्लस रूट में वन प्लस वी स्क्वायर बराबर में आएगा वन अपन एक्स का होता है लॉग एक्स और प्लस का लॉग सी, क्योंकि जब लॉग में आता है तो लॉग को सी कॉन्स्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा लॉग वी प्लस रूट में वन प्लस वी स्क्वायर बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग सी एक्स। सही है, लॉग से लॉग कट गया एंटी लॉग लेकर के, तो वी प्लस रूट में वन प्लस वी स्क्वायर बराबर आ गया सी एक्स। अब वी में कहानी आ गई, इसको भैया वाई ओवर एक्स में कन्वर्ट कर दो, वी की वैल्यू रख दो, काम खत्म, आ गया आपका आंसर। तो वाई अपॉन एक्स प्लस का रूट में वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। सही है, समझ में आ रहा, कुछ कुछ तो नहीं हो गई है, तो देखो यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ रूट लगाया तो एक्स स्क्वायर की यहाँ पे एक्स रह जाएगा, रूट केवल ऊपर रह दिया मैंने, समझ गए यहाँ पे, समझ गए। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या सीधे सीधे अच्छी तरह कर लो, थोड़ा भंगा हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर नीचे आ गया एक्स, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स प्लस रूट हटा दिया, एक्स स्क्वायर आता क्योंकि पूरा रूट में आता था, तो मैंने एक्स का यहाँ पे एक्स कर दिया। अब मैंने इनका एलसीएम लिया, जो एक्स आया वो मैंने उधर भेज दिया, यहाँ पे मुझे मिला वाई प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर चाहो तो इसको पलंग माइनस में भेज दो, बात बराबर है, इतना छोड़े आओ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल राइट आंसर आया। अब मुझे बताओ कहाँ डाउट हुआ, कोई डाउट हुआ, कोई दिक्कत हुई, आइए एक लास्ट क्वेश्चन को और देखते हैं और होमोजीनियस वाले टॉपिक को खत्म करते हैं। मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था भैया, वो था आपको कंसेप्ट सिखाना, तो मैं कितने भी क्वेश्चन कराता रहूँ अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो आप सभी को आराम से कर लोगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन कराने से टाइम वेस्टिंग है, आप लोग कर लेना। इस एक्सरसाइज की जो पिक है मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, और नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ ही गया, आप तो ब्लड में घुल गया होगा, 100% गारंटी है। तो ऐसे करके इस मेथड को अप्लाई करेंगे, होमोजीनियस वाले को कैसे चेक करते हैं क्या करते हैं सब मैं आपको बता चुका हूँ। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन इतना ईजी है, बहुत ईजी, फोर नंबर, एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर जीरो। देखना है इसी एक्स आएगा, लेकिन देखो भैया जी होमोजीनियस नहीं है, यानी कि इसमें हम होमोजीनियस नहीं लगाएं और डायरेक्ट भी हो जाएगा ये, देखो दोनों तरह से कैसे दिखाऊंगा अभी देखो आपको। तो ऐसे क्वेश्चन परेशान करता है आपको, आपने क्या रटा बैठा है कि हम टू भी चला रहे हैं तो इसमें सारे होमोजीनियस से आऊँगा, तो होमोजीनियस लगा दो सब में, देखते रहेंगे आप एक्स आई में, फिर तभी तो पेपर में दिक्कत होती है। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, शुरू से लेकर के चलेंगे कि हमें करना क्या है, माइंड को, अपने माइंड को हमेशा स्टार्टिंग से सेटअप रख के चलेंगे कि हमें रटना नहीं है। आप कैसे रटते हो, टू बी एक्सरसाइज चल रही है, टू बी में फंडा कौन सा लगा, होमोजीनियस सारे क्वेश्चन कैसे कर दो, होमोजीनियस से कर दो, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो होमोजीनियस से नहीं होंगे, वैसे ही डायरेक्ट हो जाएंगे जैसे हम पीछे करके आए थे, ये सबसे बड़ी कमी होती है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम डी वाई डी एक्स को सेपरेट करना, तो यहाँ पर देखो वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का एक्स। अब यहाँ रुक के देखेंगे थोड़ा सा, चलो इसको पूरा सेपरेट कर लो, माइनस का एक्स अपॉन वाई, यहाँ रुक के देखेंगे क्या क्या हम वाई की तरफ डी वाई की टर्म, अब हम यहाँ पर थोड़ा रुक के देखेंगे क्या कि क्या हम डी वाई की तरफ वाई की टर्म ला सकते हैं बिना एक्स के, तो ला सकते हैं, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, हो गया सेपरेट। और आप लोग क्या करते, टू बी एक्स चल रही है, अरे कुछ मन देखो डायरेक्ट इसमें लगा दो, होमोजीनियस हो जाएगा, अरे ऐसी करते हो कि नहीं। लेकिन भैया थोड़ा दिमाग चलाना, पेपर में यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बनती है कि कौन सा मेथड किस तरह से अप्लाई करना है, आप लोग रट के बैठ जाते हो, जब एक्सरसाइज करते हैं तो सारे क्वेश्चन होते हैं, क्यों, क्योंकि आपने रट लिया ना, टू बी है तो सब में होमोजीनियस लगा दो, एक्सरसाइज करते समय तो आप रट लेते हो, लेकिन पेपर में आता है तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, भैया कौन सा मेथड लगा, भूल गए, एक संग आते हैं सब कुछ मुचर हो गए। तो यहाँ पर होमोजीनियस में नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर होमोजीनियस में नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट काम हो गया लो वाई डी वाई बराबर माइनस का एक्स डी एक्स, कहीं जरूरत पड़ी है होमोजीनियस की, आप लोग क्या करते, एक्सरसाइज टू भी चल रही है, होमोजीनियस मेथड लगा दो, होमोजीनियस वन वन पावर है वो, तो उससे भी जा करेंगे लॉन्ग पड़ेगा, हम काय कल ऐसा काम पकड़ रहे हैं, हम यो पकड़ ले रहे हैं डायरेक्ट, यो घुमाएंगे क्यों पकड़ रहे हैं। अब क्या सेपरेट हो गया, पहला काम कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, काम खत्म। वाई का क्या होता है, वाई स्क्वायर पॉइंट टू बराबर एक्स का क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर पॉइंट टू प्लस का सी स्क्वायर ले लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में गाड़ी चली, थोड़ा फैशन मैच करा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी स्क्वायर पॉइंट टू ले लो, चलो टू 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 कॉमन लेके इकट्ठा हो गया, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर या माइनस का, ठीक है, इसको उधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, लो आ गए छोटे से आंसर में, काम होता है। और यही क्वेश्चन आपको होमोजीनियस से भी हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ही नहीं, पावर वन होमोजीनियस से भी हो जाएगा। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये डायरेक्ट सेपरेट से हो सकता है, तो कह के लो होमोजीनियस लगाओ,
उमैया से भी हो जाएगा, ये आप लोग करके देखना आंसर सेम टू सेम आएगा। तो इस तरह से रटना नहीं है, आपको क्या करना है डी ओ बी डी सेपरेट होने के बाद दिमाग लगाना है कि क्या ये सेपरेट से हो सकता है। अगर आप दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, एक्स आई आपने देख ली कि टू भी चल रही है, सारे क्वेश्चन होमोजीनियस के फॉर्मूले से हो रहे हैं, तो सब में भी लगा दो आंख बंद करके, पेपर में आया तो भूल गए, क्योंकि पेपर में का लिखी आ भी थोड़ी एक्स आई टू बी का क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो इस तरह से चेक करके करते हैं। तो बस आज से इस क्रियाकलाप को यहीं फिनिश करते हैं। आई थिंक आपको होमोजीनियस मेथड किस तरह से कैसे अप्लाई करते हैं, रटते नहीं है, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं कल, कल आपकी फर्स्ट बुक का टर्न है, मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमॉरो के बाय एंड टेक केयर।